जी रे भाई चेत चेत बाना मन चंचल करी चेतो अने जब लगा गटा माहे सासा भाव हुआ पड़ा भगते नहुई जीवड़ो उठने चालो उदास जी पीरना बोध ज्ञान विचारी जेणे भेदन पाया तेणे गफले जन्म हराया जी तेणे पापिए फोगट फेरा खाया जी हजार हाजर इमाम नजातुल मोमिनीन वल मोमिनात रूहानी माँ बाप सरकार नूर मौलाना शाह करीम के पाक मुबारक नाम पर इश्क और मोहब्बत से सलवात पढ़ो अल्लाहुमा सली अला महमदिन व आले महमद। मोमिनो, मैं आज की वायस की शुरुआत ये कह के करूं कि जो हमारे रिश्तेदार की रूहानियां अपना जिस्म छोड़ के खुदा की रहमत पर चले गई, वो अपने साथ अपने आमाल, अपनी दुआ, इबादत, बंदगी का सबर यानि रूह का खुराक, रूहानी मुसाफरी का भाथा अपने साथ ले गई और बाकी हम गत जमात इन्हीं रूहानियों को दुआ और सलवात की तस्बीह की शक्ल के अंदर जो कुछ भी हम भेजेंगे। लेकिन दीनदारों, आज जो हम हयात लोग यहां बैठे हैं, जिनके पास अभी जिस्म है और हमारे हाथ में जिंदगी का कुछ वक्त बाकी है मोमिनों, क्योंकि मौला का बुलावा किसको कब आएगा, कहां आएगा, कौन सी उम्र में आएगा, वो सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं मोमिनों। जैसे किसी सूफी का कलाम है ना, अजल पल भार में आवे अंधेरी कब्र में जावे, अजल पल भार में आवे अंधेरी कब्र में जावे, करो ने की जो काम आवे के आखर हाक हो जाना, न सो सुख से जराहत में सदा रहे हक की तात में, अजल आवेगी पल पल में के आखर हाक हो जाना। अजल यानी मौत एक पल में आ सकती है,
इसीलिए पीर सदरुद्दीन ने फरमाया कि चेत चेत यानी होशियार हो जा, होशियार हो जा। जब तक तेरे तन में प्राण है, जब तक तेरे हाथ में कुछ सांसें अभी बाकी है, कि हमारे तमाम के अंदर एक रूह भी है, हमारे लिए एक रूहानी दुनिया भी है, आखरत भी है, और उस रूहानी जिंदगी के लिए, रूह के लिए हम दुआ न पढ़े, नेक आमाल न करें, जिक्र फिकर और बंदगी न करें, तो पीर सदरुद्दीन फरमाते हैं कि ये दुनिया में से सिर्फ निराशा और ना उम्मीदी लेके जाएंगे, और ऐसे इंसान ने समझो अपनी जिंदगी बेकार में गंवा दी। हजरत इमाम सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैह अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, सुल्तान मोहम्मद शाह का एक फरमान सुनो और तवज्जो दो। जेवो ऊपर जवानी उम्मीद राखे छे, जेवो ऊपर जवानी उम्मीद राखे छे, तेवो ऊपर पहुंचवा माटे मोहब्बत पण वधारे करे छे अने बंदगी पण वधारे करे छे। सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखा मोमिनो, भाव के साथ भक्ति, मोहब्बत के साथ रूह की फिक्र, रूहानी फराइज की अदायगी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दीनदारों हम हर एक इंसान में, ख्वाह वो गरीब हो या पैसे वाला, पढ़ा लिखा हो या गंवार अनपढ़ हो, हम सब के अंदर आत्मा है, रूह है, और हर एक इंसान मात्र को दीनदारों मौत है। अल्लाह ने फरमाया ने कुरान के अंदर, कुल्लू मन अलैहा फानी व यबका वजही रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। अल्लाह फरमाते हैं कि हर एक चीज नाशवंत है, फना हो जाएगी, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। शायर कहता है ना, सिकंदर रूम के सुल्तान, बड़े जमशेद और लुकमा। सिकंदर रूम के सुल्तान, बड़े जमशेद और लुकमा, उन्हें भी है कफन पहना, है आखिर खाक हो जाना। यूसुफ थे शाह यूनानी, जुलेखा मिस्र की रानी, किए सब मौत ने फानी, के आखिर हाक हो जाना। सिकंदर बादशाह, लुकमान हकीम, यूसुफ पैगंबर जो यूनान के शाह थे, मिस्र की रानी जुलेखा, सब ये दुनिया छोड़ के चले गए, और हम सब में एक रूह है, हमारे सब के लिए आखरत है, रूहानी दुनिया है, उसकी भी तैयारी करनी है ना मोमिनों। मैं आपको एक वाकया बताऊं। एक दीनदार अपने कामकाज के सिलसिले में फ्रांस पेरिस गए। उनकी एक ख्वाहिश थी कि पेरिस जाता हूं तो हाजिर इमाम के साथ मुलाकात हो जावे तो कितना अच्छा। और दीनदारों, इत्तफाकन ऐसा हुआ कि उसकी उम्मीद ये पूरी होगी। हाजिर इमाम ने उसे कुछ वक्त दिया। उस दीनदार ने उस मुलाकात में थोड़ा अपने बिजनेस कारोबार के बारे में हिदायत ली, फिर मेहमानी रखी। फिर जब मुलाकात का वक्त पूरा होने को आया ना, वो मौलाना हाजिर इमाम की रजा लेता है ना, तो हाजिर इमाम फरमाते हैं, मैं आपको कुछ पूछूं? और फौरन हाजिर इमाम ने पूछना शुरू कर दिया। मौलाना हाजिर इमाम फरमाते हैं, तुम अल्लाह के शुक्राना अदा करते हो रोजाना? तवज्जो दे दीनदारों, ऐसी कल्पना करो कि शायद यह सवाल हमें पूछने में आ रहा है। हाजिर इमाम फरमाते हैं
कि तुम अल्लाह के शुक्राना अदा करते हो रोजाना। वो हैरान हो गया। वो कुछ सोचे और जवाब दे, उसके पहले मौलाना हजरत इमाम फरमाते हैं, आप जमात खाने जाते हो, दुआ बराबर पढ़ते हो। तब उसने हजरत इमाम के पास दिनदारों सब सच सच बता दिया। ए वीरा मारा, करम ना कागर जई गतमा खोलो, अने साहेब आगर साचू बोलो। सब सच कह दिया। वो कहता है, या मौला, दुआ कभी कभी पढ़ता हूं, कभी नहीं पढ़ता हूं, जमात खाने भी मौला रेगुलर नहीं हो। तो हाजरे इमाम ने फरमाया कि आप कितने सुखी हैं, आपका बिजनेस कितना अच्छा है, कितना पैसा है, कितने अच्छे बच्चे हैं, नेक बीवी है, कितना सुख दिया है खुदा ने तुमको। हजर इमाम ने फरमाया, आप शुक्राना नहीं अदा करते। दीनदारो, वो रो पड़ा, वो मौलाना हजर इमाम के पास रो पड़ा और हजर इमाम से कहता है, या मौला, मैं अब आपको वचन देता हूं कि दिन दुनिया का बैलेंस बराबर रखूंगा। या हजर इमाम, मैं अपनी रूहानी फराइज की तरफ बेदरकार नहीं रहूंगा, अब मैं अपनी दुआ बंदगी जिक्र फिक्र बराबर करूंगा। या मौला, मैं जमात खाने भी नियमित जाऊंगा। हाजिर इमाम ने क्या फरमाया पता है? हाजिर इमाम फरमाते हैं, देखो हमारी कुछ रूहानी फराइज भी है, उसे भूलना नहीं चाहिए। फिर हाजिर इमाम फरमाते हैं, टेक इट इजी, हाँ, देखो मैं आपके ऊपर नाराज नहीं हूं, हाँ, गुस्सा नहीं हूं, हाँ। दिनदारो, कितने प्यार से उसे भक्ति की रूहानी फराइज की बात समझाते हैं। मोमिनो, मौलाना हाजर इमाम ने हमेशा वक्तन फवक्तन एक फरमान फरमाया है, जैसे 1967 के अंदर मौलाना हाजर इमाम ने क्या फरमाया, मारा वहाला रूहानी बचाओ, तमारी जे काए सारी स्थिति छे, तमारी जे काए सारी स्थिति छे, ए तमारी होशियारी ना लीधे नथी, पण ए अल्लाहनी दुआओं ने आभारी छे। अने जे कोई रूहानी बाड़क एम समझे छे के हूँ जे काए छू ए अल्लाहनी दुआओं ना लीधे छे, ए चोक्कस अचूक जमात खाना मा आवी अने शुक्राना नो सिजदो अदा करशे। खाना वदान सलवात पढ़ो, अल्लाहुमा सली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। नियामत पाइने, देखो मौला अली भी फरमाते हैं, नियामत पाइने शुक्र ना किया तो ना शुक्री नियामत को ले जाए सी। नियामत पाई तब ना चेतिया, नियामत पाई तब न चेतिया, तो नियामत गए पीछे पछताएसी। सलावत पढ़ो, अल्लाहुमा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। दिनदारो, कितने तरीके से हमें समझाने में आया है, कितने तरीके से। मोमिनो, ये जिंदगी है, दिन में खाना पीना हिरना फिरना पैसा कमाना और सो जाना। सरकार इमाम सुल्तान मुशा ने फरमाया कि तमें इंसान छो, तमें हैवान नथी। कायरे जावो वन समरे भाई, आछीते करणी कमावो, करणी कमावशो तो रहशो छायड़े, नहीं तो रहशो धूप जमाए। क्यों उसकी याद के बगैर जाते हो?
क्यों रूह का समर भत्था रूहानी खुराक लिए बगर जाते हो? अगर ये कमाई होगी तो सुख में रहोगे, छाव में रहोगे, नहीं तो परेशानियां और बेचैनियों में रू रहेगी। 14 मार्च 1997 में मौलाना हाजर इमाम ने दारेसलाम में एक फरमान फरमाया। मौला फरमाते हैं, एक घणुं अगत्यनुं छे के जमातखानामां नियमितपणे हाजरी आपो। दुआना समयनी बहार पण तस्बीमां अल्लाहनुं नाम याद करो के इमामोनुं नाम याद करो, परंतु तमारा रोजिंदा जीवनमांथी तमारो धर्म गैरहाजर होय एवुं न थवा देता, एवुं बनवा न देता। आ घणो जरूरी छे। हनावदान हनावदान सलवात पढ़ो। अल्लाहुमा सली अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मद। मोमिनो, वो कौन सी चीज है हमारे जिस्म के अंदर जिसकी बदौलत हमारा हिरना फिरना, खाना पीना, धंधा बिजनेस करना ये सब हो रहा है? किसकी बदौलत? मैंने अर्ज की कि कौन सी चीज है जो हमारे जिस्म के अंदर रखने में आई है? वो रूह है, वो आत्मा है। और वो रूह जब निकल जाती है ना मोमिनों, तो ये दौड़धाम, ये घूमना फिरना सांस लेना सब रुक जाता है। और फैमिली वाले क्या कहेंगे पता है? भाई जल्दी ले जाओ इसे कब्रिस्तान के अंदर। रखता है कोई? ए वीरा मारा कोई न कहे जीव छे मारो काढ़ो काढ़ो लेने चकले उतारो एकने बाड़े ने एकने दाटे भांग्यो संबंध कोई नावे जीवना निसाथे। हर मजहब वाले की बात की है, हर मजहब वाले की बात की है कि एक को जलाते हैं एक को दफन करते हैं, एक को जलाते हैं और एक को दफन करते हैं। भांग्यो संबंध कोई ना आवे जीवड़ा निसाथे। अरे भाई क्यों? अब इसे प्यार क्यों नहीं करते हो? अब इसे गले क्यों नहीं लगाते हो? वही इंसान है, रखो ना घर में। तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, जिस्म के अंदर से बदबू आ जाएगी, जिस्म के अंदर से बदबू आ जाएगी। एक गुजराती शायर कहता है, बेफाम हवे खबर पड़ी। बेफाम उसका तखल्लुस है दिंदा। बेफाम हवे खबर पड़ी के प्राण मां पण सुगंध छे, चाली गयो जिस्म माथी तो जिस्म पण गंधाय छे। मौलाना हाजरी इमाम भी हर वक्त हमें फरमाते हैं, जैसे एक फरमान के अंदर आया, मौला फरमाते हैं, अमो फरी एक वक्त तमने याद अपावीए छे के तमारा सौनी अंदर आत्मा छे, रूह छे, अने ए रूह अमर छे, अने आ कारणे ज ए जरूरी छे के जमात खाने नियमित आवो। सलवात पढ़ो। अल्लाहुमा सली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मोमिनो, अगर रूह की रूहानी फराइज अदा नहीं करते हैं ना, तो रूह का जिस्म में से निकलना, दुनिया छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। यह मैं नहीं कहता, लेकिन हमारे पीरों ने जिक्र किया है गिनान के अंदर। जैसे पीर सदरुद्दीन ने एक गिनान में फरमाया है, ओ जीरे भाईरे हाथ
गसे ने निशासा मेले अने जीवते होशे बंधजी। हाथ कसे, हाथ मलता है, आहें भरता है, जबान बंद हो जाती है और फरमाते हैं कि अंतकार वेड़ा एवी ओंजी, ओंजी यानी डिफिकल्ट, मुश्किल, अंतकार वेड़ा एवी ओंजी, जानो कुछ न सूझे संग जी, आश तो एक अलख नी कीजे अने अवरते आश निराश। क्योंकि पूरी जिंदगी की किताब अल्लाह ने खोल के हमारे सामने रख दी है, पूरी जिंदगी की किताब, और देखा कि रूह के लिए तुमने कुछ समर जमा नहीं किया है, न दुआ, न इबादत, न नेक अमाल किए, अब चलो वक्त तुम्हारा पूरा हो गया, लेकिन नहीं दीनदारों, नहीं। हाजिर इमाम के हम रूहानी बच्चे हैं, हम हाजिर इमाम के रूहानी बच्चे हैं, और हाजिर इमाम के रूहानी बच्चे इस तरीके से नहीं जाते हैं और न कभी जाएंगे। इस्माइली इस तरीके से नहीं जावे, इस्माइली हाजिर इमाम का रूहानी फर्जन तो सरकार इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्ला अलैह ने फरमाया कि खुदा नी बीक राखो, खुदा नी बीक राखो, अने छेल्ला दम सुधी बीजो हरफ न निकले एनी बीक राखो। इंशाल्लाह हमेशा मुर्तजा अली ने याद करशो अने छेल्ला दम सुधी जिक्र करशो तो मुर्तजा अली तमारो हाथ जालशे अने तमने मदद करशे। खाना वदान, खाना वदान। ए जी नूर सरूपी चैतन कर जानो नूर सरूपी चैतन कर जानो काया माया सर्वे कूण जुग माहे चेतीने चालो करो होशियारी सत गुरा चेतावे तमे नाम लियो निर्मल नूर ये जुग माहे चेतने चालो तमे नाम लियो निर्मल नूर। मौलाना हाजिर इमाम अक्सर हमें फरमाते हैं मोमिनो कि दीन और दुनिया के बीच में बैलेंस रखो, तवाजुन रखो, दीन और दुनिया के बीच में बैलेंस रखो। और बैलेंस कैसा, एक तो दुनिया को भी संभालो और दीन को भी संभालो। जिस रे नाम थे भव सागर तरिए जिस रे नाम थे भव सागर तरिए सो नाम जपन्ता आड़स नव करिए अली बोलो मुनिवर जाना अली चरणे चित रखो एक माना अली बोलो। आखिर में दुआ गुजारी करें, या अली या हाजिर इमाम तो जुमला जमात को दीन व दुनिया में सुखी आबाद रखना, या अली या हाजिर इमाम
तू कुल इस्माइलियों को दुनियावी और रूहानी खुशियां देना, बरकत देना, नाफरमानी के काम से बचाना, और या हाजिर इमाम जल पदरानी करके आपके जाहिरी और बंदगी के अंदर बातिनी दीदार नसीब करना। जमात के है जिंदा सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।